गाइज आज मैं आपको लिए टिकटॉक का एक ऐसी वीडियो को ट्यूटोरियल लाया हूँ जो कि टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रहा है। गाइज अभी सावन चल रहा है तो इसलिए एक वीडियो यहाँ पे अभी ट्रेंड में चल रहा है जो है आप जानते भी हैं यहाँ पे महादेव वाली वीडियो है। तो गाइज आज मैं उसी वीडियो को ट्यूटोरियल बताऊँगा कि आप भी किस तरह से वैसी वीडियो का एडिटिंग कर सकते हैं। उससे पहले आपको वीडियो किस तरीके यहाँ पे शूट करना है, जब आप यहाँ पे वीडियो को शूट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको लिपसिंग यहाँ पे मैच करनी है। आपको शुरुआत में ये कहना होगा कि पीछे देखो पीछे कुछ इस तरह से आपको एक्टिंग करके आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बैठ जाना है। इसके बाद आपको महादेव वाली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आपको उस वीडियो को जाकर डाउनलोड कर लेना है। उस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद चलिए चलते हैं कमेंट टैब पे और जान लेते हैं कि आपको किस तरह से ऐसी वीडियो को एडिट करना है। इसके लिए आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ से मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको यहाँ से उस वीडियो को सेलेक्ट करना है जो आपने नॉर्मल कैमरे से वीडियो को शूट करा हुआ। यहाँ से आपको उस वीडियो को लेने के बाद आपको इस वीडियो लेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ से वॉल्यूम को यहाँ से म्यूट कर देना है। आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से म्यूट कर देना है ताकि आपकी वीडियो में जो भी बैकग्राउंड नॉइस आ रही हुई है वो इससे हट जाएगा। अब आपको इस वीडियो में से कुछ पार्ट को अगर कट करना है तो आपको यहाँ कैंची का निशान आएगा, आपको इस पर जाकर अगर आपको राइट साइड से कुछ पार्ट को कट करना है तो यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट करना होगा। अगर आप लेफ्ट से पार्ट को कट करना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट करना होगा। आपको यहाँ शुरुआत में जो यहाँ पे डायलॉग बनेंगे पीछे देखो पीछे, ये फ्रेंड्स आप लिपसिंग मैच कैसे करेंगे आपको मैं यहाँ पे बता दूँ। टिकटॉक से किसी वीडियो को लिपसिंग यहाँ पे मैच करने के लिए आप सबसे पहले एक काम करा करिए कि आप टिकटॉक से उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। उस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद आपको लेयर पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको मीडिया में जाकर आपको यहाँ से उस वीडियो को ले लेना है। चलिए जैसे मैं यहाँ से उस वीडियो को ले लेता हूँ। उस वीडियो को लेने के बाद आपको यहाँ से कैची का निशान आएगा, आपको इस पर जाकर आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है, यानी कि ऑडियो इनमें से बाहर निकल जाती है और ये वाले जो हमारे वीडियो लेयर है इसका हमें कोई काम नहीं है तो यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ से आप लिपसिंग यहाँ पर मैच कर सकते हैं। तो जैसे पीछे देखो पीछे यहाँ पे जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे आपको लिपसिंग मैच कर देना है। गाइज मैं इस साउंड को यहाँ पर प्ले नहीं कर सकता नहीं तो इससे मेरे चैनल पर कॉपीराइट आ सकता है तो इसलिए मैं यहाँ पर प्ले नहीं करने वाला हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको यहाँ पर महादेव वाला यहाँ पर कैसे आपको लगाना है। इसके लिए आपको सबसे पहले वहाँ पर जाना होगा जहाँ से आप महादेव वाला सीन लगाना चाहते हैं, तो आपको उसी लेयर पर क्लिक करके आपको यहाँ से कैचिंग नहीं सुनाएगा, आपको इस पर जाकर आपको यहाँ से इसे स्प्लिट करना है। अब इस लेयर को सबसे पहले हमें ग्रीन स्क्रीन में बनाना होगा तो आपको कलर फिल्टर में जाना है। कलर फिल्टर में जाने के बाद आपको नीचे जाना है। आप जैसे नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लू वाला मिल जाएगा, उससे एक जस्ट ऊपर ही आपको ग्रीन वाला सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे कलर एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर जाना होगा। जाने के बाद आपको यहाँ से ब्राइटनेस को कम करना है, यहाँ से आपको कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पर पूरा कर देना है और इसे यहाँ से कम करना है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका स्काई यहाँ पे पूरा ग्रीन सा हो गया है, तो आपको भी इस तरीके से यहाँ पे कर लेना है। बाकी सभी पार्ट को यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कर देना है। उसके बाद आपको इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ से आपको 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करना है और एक नया प्रोजेक्ट ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ से मीडिया में जाकर आपको यहाँ से उस वीडियो लेना है जो अभी आपने एक्सपोर्ट किया था। तो इस वीडियो को यहाँ से लेने के बाद आपको यहाँ से उस पार्ट से कट करना है जहाँ से ये ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट हो रहा है। चलिए यहाँ से मैं उस पार्ट को कट देता हूँ। आप यहाँ जूम करके भी कट कर सकते हैं। उस पार्ट से कट करने के लिए आपको इसी लेयर पे क्लिक करके यहाँ से आपको कैचर निशान आएगा, आपको इस पर जाना होगा। जाने के बाद आपको यहाँ से इसे स्प्लिट एट प्ले हेड कर देना है। इसके बाद आपको इस लेयर पे क्लिक करके यहाँ से आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा और इसमें यहाँ पे आपको डुप्लीकेट एज लेयर पे क्लिक करना होगा। इसको लेयर में कन्वर्ट करके अब आपको यहाँ पे आगे जाकर यहाँ पे आपको मीडिया में जाकर आपको उस वीडियो को यहाँ पे लेकर आना है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ से आपको उस महादेव की वीडियो को यहाँ पे लेकर आना है। अब देखिए गाइस आपको कौन से सीन से यहाँ पे कट करना है। जब आप इस वीडियो में यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये वाला सीन मिल जाएगा और यहाँ पे जो अभी टिकटॉक पर ट्रेंड में चल रहा है वो ये वाला सीन है, तो आपको इस वाले सीन को यहाँ पे कट करना होगा। आपको इसी लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कैचिंग नहीं सुनाएगा, आपको इस पर जाना होगा। इसके बाद आपको ऐसे ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट कर देना है, यानी कि लेफ्ट पार्ट से कट हो जाता है। अब आपको आगे जाकर थोड़ा सा आगे जाना होगा, उसके बाद यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना है। इस तरीके से करने के बाद अब आपको इसको वीडियो को यहाँ पे अगर स्लो मोशन में दिखाना है इसको तो आपको स्पीड कंट्रोल में जाकर यहाँ पे आपको इसे कम कर देना है। आप जितना ही कम करते हैं उतना ही ये स्लो मोशन में होते जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और इसको सबसे पहले इसे इक्वल कर देना है। इसे इक्वल करने के बाद आपको इसे जूम करना है और जब आप यहाँ पर जूम करते हैं तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर महादेव वाला सीन आने चाहिए आपकी वीडियो में। तो जब आप इस वीडियो यहाँ पर देखेंगे तो इसमें महादेव का पूरा सीन आ रहा है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर है आपको इसे यहाँ पर लेकर आना होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ी देर आपको इस पर होल्ड करके रखना है। उसके बाद आप जैसे यहाँ पर घसीट देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको इसी लेयर पे क्लिक करके यहाँ से आपको इसे फुल स्क्रीन कर देना है, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद आपको नीचे क्रोमा की मिल जाएगा, आपको इस पर जाना होगा और इसे यहाँ से इनेबल कर देना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे की कलर में यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको डिटेल कलर में जाकर इसे आप जैसे नीचे करते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी वीडियो जो भी थोड़ा बहुत ग्रीन इफेक्ट होता है वो हट जाएगा। अब आपको इस तरीके से आपकी वीडियो बन गई है, और इस वाले लेयर का हमारा अभी कोई काम नहीं है, तो आपको इसी लेयर पर क्लिक करके आपको यहाँ से इसे डिलीट कर देना है। अब आपको इस वीडियो में एक काम करना है कि आपको इस वाले लेयर पर क्लिक करके यहाँ से आपको इसका भी साउंड बंद कर देना है, तो यहाँ पर क्लिक करके इसे इसका भी साउंड बंद कर दीजिए। इसके बाद आपको इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट करना होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है और इसे टिकटॉक पर जाकर अपलोड कर देना है। तो गाइज आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक मैं इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में।